नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त VIP विजेंद्र सिंह। और आज हमनी के पटना में कुछ जगह पर राजेंद्र नगर इलाका में, जहां 8 दिन से लोग बाढ़ में डूबल बा, कुछ हेल्प कैनी है सन। ये हेल्प ना कहाई, ये कोनो हम उपकार ना कैनी है। ये हम बिहार वासी हैं, हम बिहार में रहनी, हमार जन्मभूमि है, पटना में हम रहनी, ऐसे ही हमार कर्तव्य है। तो अगर हम ये कहें कि हम ये लोग के हेल्प कैनी है, या ये लोग के जाके हम कुछ मदद के रूप में कुछ सामान देनी है, ये सरासर गलत बा। ये हमनी के सब लोग, पूरा बिहार, हमनी के केहू पर दोष नहीं है दरे के, ये हमनी के आपन कर्तव्य बा। आ ये हर नागरिक के रहे के चाही कि अगर मान ली हमरा घर में आग लगी तो हम ही बुझाए जाए, बाहर के इंतजार ना करें कि बाहर के केहू आई। हाँ, बाहर के बाद में आ सकता, लेकिन हमनी के बुझाए। 27 तारीख के बारिश शुरू भई रहे और 28-29 तारीख के हम फेसबुक पे, 28 के ही शायद कि 29 के हम फेसबुक पे लिख देनी कि जे भी हमार दोस्त और को जो भी परेशान बा पटना में, वो हमारा आकांक्षा म्यूजिक के ऑफिस में आके और आ सकता, संपर्क कर सकता, जे में रहे के खाए के व्यवस्था हमारे तरफ से फ्री रही। तो बहुत लोग ऐसे भी फ़ोन कैला, लेकिन जे ना आ पैलक तो हम और निरहुआ हिंदुस्तानी क्लब मिल के हमनी के एगो प्रोग्राम बनेनी सन। ओमें जाके हमनी के उन लोग के घर में कुछ ना कुछ कहे, तो दशहरा में दुर्गा देख रहा नहीं, हर जगह खुशी बा, माता के खुशी मना रहा बा, लेकिन उ परिवार जेकरा लगे पैसा बा, सब कुछ बा, लेकिन बाहर नहीं निकल सकत, काहे तो गंगा जी के पानी ना, नाला के पानी वो लोग के घर में तक घुस गई बा। वो लोग के थोड़ा सा हमनी के देवे के प्रयास कैनी सन। आई हमनी के कर्तव्य बा, हर बिहार के वासी के कर्तव्य बा, हर देश के वासी का है। तो हमनी के यही चीज जन्म पनल सब बा। तो ई हवे रुरा लोगिन, आगे देखी हम कैसे कैसे हमनी के कहाँ कहाँ और कितना नरक भरा जिंदगी लोग जी रहल बा। का कहा सिस्टम दोषी, केकरा के दोषी ठहरावल जाओ, सब लोग एक दूसरा पर पाला झाड़ रहल बा, लेकिन दोषी नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग बा। उमें हमनियों के बनी सन, जैसे हमनी के बोतल प्लास्टिक लेके कूड़ा करकट में फेंक देते नहीं सन, वहू से नाला जाम होता। तो नीचे स्तर से लेके ऊपर तक सब आज के डेट में बिहार में भ्रष्ट हो चुकल बा। एकरा के कैसे सही कइल जाए, अब ये तो हमारा नहीं है मालूम, कहे तो हम तो कलाकार हैं, हम अपना वीडियो के माध्यम से ही कुछ कर सकते हैं। रोयल लोगिन भी कुछ करी और क्या बताएं। चलिए, ये निरहुआ हिंदुस्तानी क्लब, आज हम लोग बाढ़ पीड़ित में हैं, सच में देख के रोना आ जा रहा है। डॉक्टर कॉलोनी है, गाड़ियाँ डूबी है, लोग डूबे हैं, कुछ लोग तो चले गए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जब दूध का पैकेट लेके दौड़ रहे हैं। आज हम लोग निरहुआ हिंदुस्तानी क्लब, दिनेश लाल भाई के और सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। आज आप देखिए क्या स्थिति है, इतना डूब डूब के आदमी कमर भर पानी है। अभी हम पानी में उतरे थे, कमर भर पानी है और लोग त्राही माम हुए हैं, सारा तरफ लोग डूबा हुआ है। देखिए सब लोग डूबे हुए हैं, सब लोग डूबे हुए हैं, पूरी कॉलोनी डूबी हुई है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना हो सके लोग की खुशियों में। ये पार्क है, देखिए पार्क का क्या है। हमारी पूरी टीम आज हम लोग कुछ सप्तमी के दिन जब पूरे देश में खुशियां है, हम लोग भी थोड़ा बहुत घरों में खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं। मैक्सिमम ब्रेड पे, और लोग घरों में बड़े बुजुर्ग फंसे हुए हैं, देखिए बूढ़े लोग। हाँ हाँ, ये लाइव पानी उसमें है ना, इतना मत
देखिए घरों घर में जाकर दिया जा रहा है खाने का सामान। ब्रेड दे दो, सब डूबा हुआ। चलो ड्राइवर साहब रेला जाइए। हाँ चलिए चलिए भैया। भैया आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल है आज। और आज हम लोग दिनेश लाल निरहू भाई के तरफ से रुक जाइए लफानी में फेंके फट जाएगा ये दीजिए। लोग पूरा घर डूबा हुआ है। कितने दिन से? 8 दिन से तो डूबा हुआ है। 7 दिन हो गए। चलिए। और ये सब अच्छे कॉलोनियों में आते हैं। चलिए चलिए आस्ते आस्ते करके। पटना में काला पानी का सजा हम लोगों को। काला पानी का सजा में जो है ना इतना पानी है, अष्टमी है, हम तो फास्टिंग में है। माँ को जो जाके प्रसाद तो चढ़ाएंगे ना, जलसा तो बैठा ही लिए लीजिए। हमको ये सब ब्रेड नहीं है, वो छोटा पकड़ खाली दूध दे। हाँ लीजिए लीजिए सर लीजिए। अच्छा दे दीजिए। चलिए वानी सर, यही है कि यहाँ से जो है ना ट्रैक्टर तो हमको नहीं लग पाता है कि आपका वहाँ तक जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि ये पोजीशन ना डूबे, ताकि सामान सब पानी में मत जाइएगा जी। आगे देखिए समुद्र हुआ पड़ा है। ट्रैक्टर तो अभी गया, अभी वो ट्रैक्टर गया है। तो हमें लोग तैर के निकलना पड़ेगा। आज कमर कमर भर पानी है, छाती भर पानी है। डॉक्टर पीएल खेमका इनका घर है यहाँ। आप देखिए ऊपर बुजुर्ग हैं। बहुत बुरा हाल। इसका बयान नहीं किया जा सकता। दादा थोड़ा चिल्लाइए। दूध पानी दूध रुकिए रुक जाइए। आगे आगे आ जा बेटा। मोमबत्ती 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 है उसमें उधर जा रहे भैया। ठीक है जाइए। अरे अभी अगर ट्रैक्टर गया ना, अभी जब ट्रैक्टर गया तो पानी पी ले भैया।
दूध ब्रेड हाँ हो जाए देखिए भैया कितना मेहनत कर रहे हैं, पानी में चलते हुए आ रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं, पैर एक कट गया है। आ जा बेटा, पैर कट चुका है। सवाल क्या लिए? हाँ आ रहे हैं सर्विस भैया को, देखे रहिएगा। अभी पैर में लग गया एक जगह। पीछे से भैया हम लोग को दीजिए। आइए ऊपर ऊपर आ जाइए अगर अगरबत्ती आगे जाओ ना। वो नहीं है क्या? पानी पाव रोटी 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 चलिए दे दीजिए उधर से अगरबत्ती दीजिए। एक मिनट। बहुत मच्छर काट रहा है। दीजिए भैया आप लाइव हो गए क्या? दीजिए लाइव हो गए। और आज अभी पैर में देखिए लग चुका है, पैर में यहाँ लग गया, पैर कट चुका है हमारा इधर चढ़ने में। लेकिन बहुत लोग त्राही में हैं। अरे नहीं अभी चला अभी आगे ट्रैक्टर का ही ला। देखिए कितना बुरा हाल है, पानी ही पानी हर जगह पानी। बहुत बुरा हाल, नाला है एकदम पानी। और ये पुलिस चौकी है उसमें हम लोग जा रहे हैं। आगे से ले आगे अगरबत्ती मिले। स्थिति बहुत बुरा। गजब, बहुत बुरा हाल है। देखिए पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी करीब 7 दिन से डूबा हुआ है। और बोरा है ना, बोरा खाली करिए ना भैया, बोरा खाली करिए, बोरा इधर उधर खाली करिए, इधर खाली करिए। ये देखिए आज थोड़ा बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग अच्छे से रहे। और आइए बहुत बुरा हाल है। रुके अंदर ही जा रहे हैं, सर्विस भी आ रहे हैं उधर ही। हम
एक मिनट है, बी आई बी भी है, चलिए दूध डालो, दूध डालो, इसमें डालो पैकेट बनाओ। आ रहे, आ रहे, उधर आ रहे, चलो ना, चलो आ रहे, आप चलो ना, आप जाओ ना, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आप जाओ, बैठ करो ना यार, बैठ करो, इधर ही है ना, मट्टी होगा ये भी नहीं लेने वाला है सर, अपन को यही सेवा कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका बैग गया ना, फंस गया, बैक लगा भाई, अरे बैठा मर, गिरे के तो दोनों भाई साथ ही गिरे के, जा रही है पीछे आप, हम अकेले गिरा, बड़ा चलाकी कर रहा था, बहुत पानी कर रहे कि आप कहाँ जा रहे हो, गाड़ी का गियर नहीं लग रहा, हम बैठे रह गए, अब नहीं बोल रहे, वहाँ बोल रहे थे यहाँ शांत, बहुत बुरा हाल है, बस नहीं रोक उनका, ये सब वीआईपी इलाका है, पानी निकलने में सब राजेंद्र नगर का इलाका है ना, तो ये राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर की हालत एकदम दयनीय है, सरकार कहाँ बैठी हुई है, सोई हुई है, कोई पता नहीं है, कुछ कर भी नहीं रहा, कुछ प्रशासन कुछ भी नहीं, रुक जाओ, प्रशासन खाली है, रोक दे भाई, पैसा लेवे खातिर में है, अब पानी पानी दीजिए भाई, दीजिए ना, डब उठा के फेंक दीजिए ना, पैसा तो ब्रेड रुको ना यार, क्यों लेकर भाग रहे हो, जाओगे क्या कहीं, सब लोग वहाँ पीछे गए हैं, आप कहीं जाओगे, बोलो आगे जाना है, अंदर जाके बांटिएगा, बेटे देखिए बनाए हुए नहीं, अभी थैली नहीं, ऐसे ही दे दो ना जी, ब्रेड आप सीधे सीधे रख लो, पानी नहीं, बहुत लोग बुरा हाल में है, वहाँ पानी तो पहुँच रहे हैं, जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पानी दीजिए ना, ऐसे दीजिए ना, पन्नी कॉलोनी में काम करते हैं, देखिए भैया लोग घर घर में पानी की बोतल, हाँ ये देखिए हमारे राजेश भाई और सर्वेश भाई आ रहे हैं, ये अंदर देखिएगा, उधर गड्ढा गुड्ढी नहीं है, पूछ लीजिए, ठीक ठीक भैया, जैसा जैसा मोबाइल इधर कीजिए, हटिया बाटा के उधर साइड में उनको लीजिए भाई, हमारे सरकार जी रिपोर्टर जी, देखिए पानी में एकदम परेशान है बेचारे, ये देना रिपोर्टर जी, जब माइक में वहाँ से बोल रहे थे यहाँ, पहले से रिकॉर्ड हो रहा है, उसी में अपना ठीक करके डालेंगे, उधर से साइड से चढ़िए ना, साइड से जी भी, इधर कमर में पानी है क्या आगे, अच्छा भाई ट्रैक्टर फंस ही जाएगा,
बुरा हाल क्या होता है, अगर कोई बोलता है कि पटना में दो चार कॉलोनियों में पानी है तो आके एक बार ज़रूर देखें। शर्म की बात है, नाम तो किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि आज बिहार को स्मार्ट सिटी बनाने में बहुत लोगों का मेहनत लगा है, बहुत सालों का टाइम लगा है, जब जाके ये हमारा स्मार्ट सिटी बना है, जहाँ गंगा जी का पानी नहीं नाले के पानी 8 दिन से है और सेंट दे रहा है सुगंधित, जिसे सुगंधित भैया है, देखिए इसी में पत्रकारिता क्या करें, कमर भर छाती भर पानी में डूब के कहीं कहीं तो आंसू आ जा रहा है, जब छोटे बच्चे दूध के लिए दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर अपने घर से निकल गए हैं, लेकिन उसमें उनके जो घर में रहने वाले लोग हैं, जो उनके घर काम करते थे उनको छोड़ के निकल गए हैं, उनका परवाह नहीं है। बड़े बड़े यहाँ अफसर लोग निकल चुके हैं अपनी कोठियों को छोड़ के, अपने होटलों में रह रहे हैं, लेकिन उनमें रहने वाले, उनके घर काम करने वाले, उनके सिक्योरिटी गार्ड का परिवार इसी में है, तड़प रहा है, और उनको देने वाला कोई नहीं है। बोलने के लिए सब हैं, फेसबुक पर आलोचना करने के लिए सब हैं, फेसबुक पर बड़ाई करने वाले सब हैं, लेकिन यहाँ आकर वो अपने घर में ही नहीं हैं, जिनके बच्चे, जिनका गरीब लोग जिनके यहाँ स्वीपर का काम करते हैं या कंपाउंडर का काम करते हैं या क्या कहें गार्ड का काम करते हैं, वो लोग के परिवार यहाँ फंसा हुआ है और वो लोग कोठी छोड़ के अपना भाग चुके हैं, उन लोग को भी यहाँ आना चाहिए, कम से कम अपने घर में फंसे हुए लोगों को तो थोड़ा सा हेल्प जरूर करना चाहिए। बहुत भयावह स्थिति है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और ये देख के आँख में आंसू आ जा रहा है, सच में, रियल में बहुत। और ये हम लोग निरहुआ हिंदुस्तानी क्लब और अपने तरफ से कुछ हम लोग डोनेट कर रहे हैं, थोड़ा पहुंचा रहे हैं कि आज सप्तमी के दिन कुछ घरों में खुशियां आ जाए, और ये वीडियो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्या बोल सकते हैं, बोलने के लिए शब्द कम है, बहुत बुरा हाल। हम लाइव दिखाने वाले नहीं थे, लेकिन इतना बुरा हाल है कि दिखा रहे हैं कि आप लोग जाग जाइए, जो शासन प्रशासन में है, जो करोड़ों रुपया टकर गए नाला साफ करने के लिए, ये गंगा जी का पानी नहीं है भाई, ये गंगा जी का पानी नहीं है, ये नाला का पानी है, और नाले के पानी में लोग रह रहे हैं। मैं 2 बार अंदर गया, मेरा पैर कट गया, पैर व्हाइट हो गया, तो समझिए कि जो 7 दिन 8 दिन से अपने घरों में है उनका हाल क्या होगा। यहाँ बिना मास्क का नहीं चला जा सकता है, यहाँ रोग फैल रहा है, सरकार ध्यान दो, थोड़ा सा भी तो ध्यान दो, लोग बहुत बुरा हाल, देखिए कैसे लोग हैं। आ जाइए आराम से, देखिए वो लाइव करिए ना, रोको ना यार, उस साइड से चले, अरे वहाँ पर तो मिलवे किया भैया, सबको पहले घुसना था, इधर से घुसना है, पानी दे दिए, चलिए भैया चलिए, रुक मेरे भाई, तो पिलाना के लिए है ना, मुझे पटना में 40,000 रुक जा भाई, रुको ना जी, आगे मच्छर के
है।